विरोध आवश्यक चीज़ें हैं, बिना विरोध पक्ष के लोकतंत्र होता नहीं। लेकिन अशिष्टता को लोकतंत्र नहीं कहा जाता, विरोध नहीं कहा जाता। अभी सार्वजनिक जीवन में छत्तीसगढ़ में कुरुद में आपसी भाईचारे का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। राजनीति करते हुए भी हम उसको मेंटेन करके रख सकते हैं, पर कुछ लड़के ऐसे थे, मैं सभी को तो नहीं कहूँगा, कुछ लड़के ऐसे थे जो सिर्फ अशिष्ट थे। तो ये अशिष्टता थी, उनकी विरोध प्रदर्शन नहीं था, और इसी कारण जो है देश में कांग्रेस सिमट रही। छत्तीसगढ़ में भी ये उनकी आखिरी पारी है, इसीलिए तो मैंने कहा ना कि अशिष्टता पूर्वक विरोध है ये। यदि बीजेपी के युवा मोर्चा के साथी ऐसा करते तो गड़बड़ होती। मैं तो युवा मोर्चा के साथी लोगों की प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने बड़े संयम के साथ अपने आंदोलन में शामिल हुए, मतलब संयमित रहे। जो गुंडागर्दी की जो बात सामने आ रही है कि स्थानीय भाजपा कार्यालय में भाजपा के जो गुंडे थे, हम तो गांधी तरीके से वहाँ गए थे, उन्होंने हमारे प्रभारी को भाजपा का गमछा पहना रहा था, जबरदस्ती भाजपा का गमछा ना, हम गांधीवादी तरीके के लोग हैं, गांधीवादी विचारधारा से हम चलते हैं, भाजपा का गमछा हमको क्यों पहनाया जा रहा है? हम तो उनको आदरणीय माननीय सम्माननीय अजय चंद्राकर जी को हम तो माला पहनाने गए थे। तो इस प्रकार की घटना हुई, भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं आक्रोशित हो गए, इसका जवाब हम नहीं देंगे, कुरुद की जनता 2023 से पूरे छत्तीसगढ़ में और कुरुद में भी देगी। युवक कांग्रेस जिंदाबाद।